तो कैसे है दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई वेबसाइट को हम एडिट कर यानी बनाकर बनाने के बाद उसको होस्टिंग सर्वर पर लाइव कैसे करते हैं, हम आपको आज पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप अगर नए भी हैं तब भी आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन है, फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन में देखेंगे, व्हाट यू सीन व्हाट यू गेट, वेब बिल्डर। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। और इसके बाद इसको चलिए करते हैं ओपन। मैं इसी जो ये सॉफ्टवेयर है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बाकियों के पीछे, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है, 20-25 MB का सॉफ्टवेयर है। और ये इसका जो रेंडरिंग है वो बहुत ही काफ़ी तेजी है। इसके लिए अगर हमें नया कोई बनाना है तो यहाँ पर न्यू में जाके कर लेंगे, ठीक है। आप न्यू में जाएंगे, आपके लिए एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, लेकिन मैं भी ब्लैंक पेज से नहीं शुरुआत करूँगा। मैंने कई सारे टेम्पलेट ऑलरेडी बना चुका हूँ और बनाए रखा हूँ, इसलिए मैं उन्हीं का प्रयोग करूंगा। ब्लैंक एक नया टेम्पलेट बनाने के लिए मैं किसी और वीडियो में फुल वीडियो बताऊंगी कि एक जीरो यानी ब्लैंक पेज से एक टेम्पलेट हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि लगभग मैक्सिमम वेबसाइटों का जो काम होता है लगभग सेम होता है। तो पुराने को आप अगर एडिट कर लेते हो तो आपके कई सारे जो टूल और डिजाइनिंग करते हो उसमें समय बच जाता है। तो हम कोई एक डाउनलोड करते, जैसे आपके सामने है पहली फाइल, हम ओपन करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक पूरा टूल्स बॉक्स है और यहाँ पर पेज है आपके, ये स्कूल की वेबसाइट बना रहा हूँ तो अब यहाँ पर पेज है। तो जैसे आप इसमें जाएंगे इंडेक्स में, ठीक है, इंडेक्स होम पेज को कहते हैं, ये देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर अबाउट अस में जाएंगे, यहाँ पर पेज सब खुलते जाएंगे, इंडेक्स अबाउट अस जितने भी आपके पेज चाहिए हो आप सब एक बार में खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर देखिए, व्हाट यू सीन व्हाट यू गेट, वेब बिल्डर है, तो आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं। ये जब रेंडरिंग लेता है तब थोड़ा सा कंप्यूटर को रोकता है, जहाँ बड़ी फाइलें हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए हमारे सभी पेज यहाँ पर ओपन हो गए, ठीक है। हमें काम साथ में और करना है कि हमें जो फोटोग्राफ्स हम यूज करते हैं, अगर हमें कुल मिला के मेन मकसद ये है कि अगर हम लाइट वेट वेबसाइट बनाएंगे तो हमें बहुत कम डेटा में कहीं भी खोल सकते हैं, ओपन हो जाएगी। और अगर हमने उसको बहुत हैवी बना दिया तो वेबसाइट ओपन तो होगी लेकिन वो लेट ओपन होगी। इसके लिए हमें जो भी लोगो है ये जितना भी है ये सब बहुत ही हमें लाइट वेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए चलिए अब हम इसको बनाना है, हमें एक नई वेबसाइट, तो हमें इसी को सेव एज करते हैं नए नाम से। हाँ अब सबसे पहले हमें एक लोगो चाहिए और ये कॉलेज का, तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, वाईफाई आन ये ले रहा हूँ, बहुत ही सटीक वेबसाइट है। आपको कोई फोटोशॉप या कोरल ड्रा सीखने की जरूरत नहीं, आप अच्छे अच्छे टेम्पलेट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नेट कनेक्ट हो जाए हमारा, चलिए खोलते हैं। वेबसाइट का नाम है maketest.io। अभी शायद हमारा इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं हुआ, हो गया, ओपन हो जाए। और इससे आप जो भी जैसे टाइटल है कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे से खुद एडिट कर सकते हैं, इसमें किसी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इंटरनेट में कुछ समस्या है, चलिए हो गया। अब यहाँ पर
आपके विंडो दिख रही होगी, यहाँ पर आपको जो टाइटल बनाना है वेबसाइट का वो डालो। तो जैसे हमारी क्योंकि स्कूल की वेबसाइट है तो गवर्नमेंट गर्ल्स हमें ये हमें इसको टाइटल बनाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्री डिफाइंड टाइटल्स आ गए हैं, इसमें आप जो पसंद करना चाहें उसको पसंद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आप देख लीजिए, यहाँ यहाँ पर आप फॉन्ट भी देख सकते हैं। जैसे हम इसको पसंद कर रहे हैं, हमने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पर से आप फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, तो बोल्ड फॉन्ट रखते हैं। सिंपल हो गया। ओवर हो गए। अब यहाँ पर आपको जो फॉन्ट का साइज बढ़ाना है आप साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन का है, और आप कलर भी इसका बदल सकते हैं, आपको जो कलर पसंद हो वो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कोई खास कलर में ले जाते हैं, ये कर दिया हूँ। ठीक है, अब इसको करते हैं डाउनलोड, तो ये PNG ग्रुप में आपके डाउनलोड। अब आपको आना तो सबसे पहले इस कॉलेज का नाम हटा के इंसर्ट में जाके इमेज में जाके यहाँ से इमेज ऐड करना है। अब ये गई होगी डाउनलोड में, इसको क्रॉप कर लेते जो एक्स्ट्रा है। और इसको करते हैं बड़ा, हम इसका पीछे का जो आपका हेडर है उसको चेंज करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज, फिर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कोई हमें डार्क सा लेना है, चलिए इसी को ले लेते हैं। ठीक है, और एक हम डाउनलोड करते हैं लोगो, यूपी बोर्ड का लोगो ये आ गया आपको। इसको करते हैं डाउनलोड। अब ये हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। हम इसको कहीं पर डाल दे, डेस्कटॉप में डाल देते हैं। इसके लिए आप ये इसको डिलीट, इंसर्ट, पिक्चर, और अब हमने इसको डेस्कटॉप में डाला है, लोगो उठाया हमने, और इस लोगो को हमें शेप इसका चेंज करना है, गोल करना है हमें। ठीक है, अभी ये उसमें है, तो यहाँ पर होगा चेंज शेप, इसको कर, ये हमारा लोगो आ गया है। और इस लोगो में थोड़ा देते हैं साइडों बाहर आ गया ये देखिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसको अगर देखना है ये कैसी दिखेगी, यहाँ पर जाइए तो कैंसिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंटायर नहीं करना, सिर्फ हम इस पेज को करना, तो हमने हटा दिया। अब जाते हैं मोजिला,
देखते हैं कैसी लगेगी वेबसाइट, देखिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कलर हमें और हल्का करना पड़े क्योंकि हमें पीछे का बैकग्राउंड डार्क लिया, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको सिर्फ बनाने की विधि बताता हूँ। अब इसके बाद ये हो गया, हम इसका मार्क्यू टेक्स्ट चेंज करेंगे। अगर हम इसका कलर बदलना है तो हम जाएंगे स्टाइल में, यहाँ से ये है मार्क्यू का बॉक्स कलर, हम कोई डार्क करते हैं। डार्क कलर करते हैं। अब इसी प्रकार आपको ये बदलना है, इसके भी कलर आपको बदलने पड़ेंगे। इसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज खुलेगी, स्टाइल में आइए। स्टाइल में आने के बाद आप बैकग्राउंड में, अब यहाँ पर कलर आ गया, आप जो सभी कलर चाहते हैं वो आप कलर सेलेक्ट कर, इसका बैकग्राउंड ज्यादा हो गया, इसको बैकग्राउंड हल्का रखते हैं। इसका भी डार्क और इसको करते हैं ओके, आपके ये भी चेंज हो गए। ठीक है, अब करते हैं फोटो चेक। तो फोटो में एक चीज है जो मैंने आपको नहीं बताया, फोटो का हमें साइज कम करना है, उसके लिए हमें फोटोशॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फोटोशॉप चलाना जानते तो आप उस सिंपल कुछ नहीं करना, आप जो आपके पास जो फोटो हो ना उनको आप व्हाट्सएप में भेज लीजिए, फिर व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर, ऑटोमेटिक आपका साइज बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसमें फोल्डर के अंदर ही उनको सबको करता हूँ। तो हम ओपन करेंगे फोटोशॉप, और हमें ये दरअसल फुल रेजुलेशन में होती है, इसको हमें 72 DPI में करना। ठीक है, करना है। अब करते हैं ओपन, ओपन के लिए फाइल में जाकर ओपन कर लीजिए, और आपके जहाँ पर फोटो हो जैसे इस फोल्डर में थे इन सबको करिए ओपन। अब यहाँ पर आप क्रॉप करेंगे, मैंने क्रॉप सेटिंग यहाँ पर 72 लगा दिया है। ठीक है, तो 72 के हिसाब से ही होगा, तो करते हैं क्रॉप। अब इसको कंट्रोल एम करके इसको ऑटो कर लीजिए, थोड़ा इनहेंस फोटो हो जाएगी। ये देखिए, सिंपल टूल बताऊंगा मैं, ज़्यादा आपको परेशान, बस यस करिए और यहाँ पर साइज एकदम लो कर दीजिए, ओके करिए। ये हमारे पास ऑलरेडी फोटो बन चुकी है, इसको भी बंद कर देंगे, इसको कंट्रोल एम ऑटो ओके, और यहाँ पर क्रॉप के लिए एंटर एंटर कर देंगे तो क्रॉप हो जाएगी, बस इसको लो में सेव कर देंगे। इसी प्रकार आपके पास जितनी फोटो हो सबको आपको क्रॉप करके सबसे लो साइज में सेव कर देंगे। हमेशा कोशिश करें फोटो अच्छी डालें, क्योंकि वेबसाइट को सब लोग देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगे।
इस फोटो में हमें कॉलेज का नाम भी डालना है, उन्होंने कहा था। इसके थोड़ा सा फोटो को पहले अपने क्रॉप कर, चलिए क्रॉप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा करेंगे, बड़ा लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट यहाँ पर लिख, गवर्नमेंट जी आई आर गवर्नमेंट गर्ल्स, हमने नाम टाइप कर दिया है, इसको करेंगे बड़ा, अच्छा फॉन्ट लगा है इसको, हम इंग्लिश का कर लेंगे, साथ में इसका कलर भी कर देंगे ब्लैक, फॉन्ट कोई बोल्ड फॉन्ट ले लेते हैं। चलिए एरियल ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्राफ्ट हमने कर ही लिया था पहले ही, लेकिन फिर भी एक बार क्राफ्ट कर लेते हैं, इसको हमें जेपीजी में सेव कराना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ एडिटिंग किया। चलिए भी हो गई, मैडम की भी कर लेते हैं, प्रिंसिपल मैडम, आखिरी फोटो है इसको भी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये फोटो एडिटिंग काम हो गया पूरा। अब हम इस वापस सॉफ्टवेयर में आके ये जो जितनी फोटो लगी उनको रिमूव करेंगे और हम नए सिरे से फोटो ऐड करेंगे। फोटो हमें पता है हमारी फोटो क्या है, तो यहाँ पर हम फोटो कर लिया हमने यार, करेंगे ओके। ये चूंकि फोटो साइज बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको स्लाइड करके, या तो हम जूम करके भी इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, फोटो इसमें फुल रेजोल्यूशन में आती है इसको। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर एकदम नए हैं, आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते, तब भी आप अपना वेबसाइट बनाकर खुद ही होस्ट कर सकते हैं। और इसको हम कर दिया। अब एक चीज और, इसमें हमें अगर एनिमेशन डालना है, ये फोटो चलेंगी, दिखा दो कैसे होगा, प्रीव्यू करते हैं, आप बीच बीच प्रीव्यू करते जाइए, देखिए हमारी वेबसाइट ऐसे रहेगी, ऐसे ये चलेगा मार्क्यू टेक्स्ट में, अब ये फोटो भी चलेंगी, ये देखिए ऑटोमेटिक फोटो बदलेंगी, फ्रंट की फोटो सॉरी दोस्तों,
फ्रंट की फोटो ऑटो बदलेंगे, इसमें अगर आपको और भी इफेक्ट डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके लिए आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देख कार्टन है, बार्स कर लीजिए, पफ न्यूज़पेपर, कोई भी आप किसी भी तरह के इफेक्ट डाल के आप चेक कर सकते हैं। पहले कार्टन था, अभी हमने नया इफेक्ट डाला है, और सामने आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो आपको जो सही लगे आप वो डाल सकते हैं। फिलहाल सिंपल रहना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से इसको नॉर्मल फेड कर सकता हूँ। एनिमेशन कितनी देर रहे, 5 सेकंड का, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और टाइम कितनी देर तक वो रुका रहे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी कॉलेज का नाम बदलना पड़ेगा, स्वाभाविक है, तो यहाँ पर सॉरी ठीक है दोस्तों, लगभग नोटिस बोर्ड सब सेम रहेगा। यहाँ पर इनकी फोटो की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी कॉलेज है, जो आपके मतलब की चीजें नहीं उनको आप हटा दीजिए। यहाँ पर भी एक फोटो हमें लगाना है छोटी सी कॉलेज के गेट की, ठीक है। यहाँ पर भी नाम आपको बदलना पड़ेगा, यहाँ पर सन भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सन मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगभग जो स्कूल के आप यहाँ जो जो विशेषताएं हैं, जहाँ से संबंध है, ये सब चीजें आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फुटर भी हमें चेंज करना है, फुटर क्योंकि हमने उसको जो कलर ऊपर हेडर में दिया है वही हम फुटर में भी हमें देना है। डबल क्लिक करेंगे, स्टाइल में आएंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट है, यहाँ पर चेक कर लेंगे, हमने ये दिया था, और इसको अप कर देंगे, सॉरी लीनियर डाउन कर देंगे, और यहाँ पर अब इस जो है इसको करेंगे टेक्स्ट के हिसाब से वाइट, और यहाँ पर भी इसको करते हैं वाइट, ये आपको डेटा जो स्कूल से मिला हो उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको करते ज्यादा, आज जो डेट है आज ये आपका पहला पेज बन गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज हमें एड्रेस रह गया है, इसको भी हम उसी सॉफ्टवेयर से निकालने अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और कोई सिंपल सा एक लेते हैं जो एड्रेस के लिए, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, फॉन्ट इसका बहुत ही सिंपल रखना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो अब हम इसको एड्रेस करेंगे, ठीक है, एड्रेस है फतेहपुर रोड, ठीक है दोस्तों, हम इसको करेंगे डन। डाउनलोड हो गया, डिलीट करके इसको भी हम
अवॉइड कर रहा था, ये नहीं चल पाएगा पूरा। बैकग्राउंड जो है उसको करना है हमें, अब इसको तो अब हम इसको दोबारा हम अपने उसमें इमेज में लगाएंगे। और ये भी नहीं आ रहा, चलिए हम कोई डिजाइन बदल देते हैं, वो कर देते हैं तो कलर वाइट वाइट। ठीक है, आप एक बार जब एक बार उसको बनाएंगे, आप अपना ही सैंपल बनाइए, आपका पूरा इसका ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये आ गए। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, सेंटर में इसको करेंगे। ठीक दोस्तों, हमारा होम पेज जो है वो रेडी हो गया। इसको देखने के लिए आप यहाँ जाइए, ये देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान, तुरंत ये हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, अब इंडेक्स पेज बन गया, तो अब बाकी बनाने में हमें टाइम नहीं लगना। ठीक है, बहुत ही जल्दी अब देखिए कैसे बना। चलिए अब हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना, तो जैसे कि ये पहला था, इसको हम करेंगे पूरा कॉपी, पूरा कॉपी यहाँ से हमने किया है मीनू बार से, और अबाउट अस में इसको करेंगे डिलीट, इसको करेंगे डिलीट और इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, इसके बाद आप फिर इसमें आइए, इसमें आइए, डिलीट पेस्ट। सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक, ठीक ये आपका होगा। अब इसी प्रकार हमें अब अबाउट अस में जाना है, यहाँ पर इस फोटो को हमें बदलना पड़ेगा। इंसर्ट में जाएंगे, फोटो कॉलेज की बदल देंगे। कॉलेज की गेट फोटो हम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नाम डालेंगे, एस्टेब्लिश हियर, इसके बाद प्रिंसिपल की फोटो, प्रिंसिपल की फोटो भी हमने क्रॉप किया था, ये एक्स्ट्रा फोटो हम हटा देंगे इसको, मतलब बड़ी फोटो लगाने का, और इसको उठा के हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब हम आते हैं नीचे। ठीक है, हमें एडमिशन का बनाते हैं, एडमिशन का रूल लगभग सबके सेम रहते हैं। ठीक है, फैसिलिटी लगभग हर कॉलेज की सेम है। गैलरी में जाना है, तो गैलरी में डबल क्लिक करेंगे, पूरी फोटो को रिमूव करके दोबारा ऐड करा देंगे। देखिए गैलरी में लग गए, पेज जैसे बड़ा है तो हम बड़े पेज को छोटा करेंगे।
दरअसल पिछले वाले उसमें बहुत सारे फोटो थे, इसलिए एक बार अब आते हैं एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन सेम रहेगा, कॉन्टेक्ट अस में इसकी डिटेल बदलेगी। ठीक है दोस्तों, हमारा काम लगभग 90% कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ एक चीज और करना है, सभी का ये जो नीचे का है ना, हमें नीचे के बदलना है। ठीक है, इसको करेंगे कॉपी। अब सभी के पेज में आके सबसे नीचे वाला करेंगे डिलीट, जो पुराने स्कूल का, इसको करेंगे पेस्ट। पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक पुरानी जगह जाएगा, इसको वापस घस खींच कर देंगे। कभी करते हैं डिलीट पेस्ट, उसके बाद इसके नीचे के करते हैं डिलीट पेस्ट। तो इसके नीचे का करते हैं डिलीट पेस्ट। एग्जामिनेशन का भी ये दोस्तों एडमिट कार्ड के लिए है, और इसका अब कॉन्टेक्ट अस का भी हम इसको हमने यहाँ पर गूगल मैप का वो दिया है। ठीक है, हमारी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो गई एडिटिंग। ठीक है, इसको आप अलग अलग देख भी सकते हैं। अब हम इसको करते हैं पब्लिश। पब्लिश में जाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे जहाँ हमें वेबसाइट रखना, पहले हम लोकली रखते हैं। ठीक है, नाम डाला जी, ये कंप्लीट वेबसाइट बनने के बाद। ठीक, इसी फोल्डर में इसकी पूरी फाइलें जाएंगी, करेंगे ओके और कर देंगे पब्लिश। थोड़ा सा वेट करें, देखा दोस्तों काफी जल्दी होता है। आप एक बार टेम्पलेट बना लीजिए, फिर आप वेबसाइट बहुत जल्दी बना सकते। रन करते हैं, देखेंगे कहाँ गई, इसको मिनिमाइज करते हैं। पब्लिश होने के बाद ये है हमारा, देखिए ये पूरी फाइलें निकली हुई है, इतनी वेबसाइट है। अगर इसको हम पूरा साइज देखेंगे, कंट्रोल है अल्ट इंटर, ये लगभग 15 MB का पूरा वेबसाइट बनी। इसको करें कंप्रेस, जिप में अपलोडिंग में आसानी होती है। ये हो गई, इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी फाइल को हमें, इस फाइल को ऐसे में हमें अलग करना पड़ता, हमने पूरा कंप्रेस करके एक बना ली, इसी को हम एक्सट्रैक्ट करा देंगे। नहीं तो हमें एक एक फाइल अपलोड कराना पड़े, काफी समय लगेगा। अब हम अपने चलते होस्टिंग सर्वर पर, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को रोकूंगा क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है। मैं ओपन करके आप दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम अपना सी पैनल जहाँ होस्टिंग है वो ओपन करेंगे। ये हमारा होस्टिंग पैनल खुल गया है। अब यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है, यहाँ पर जहाँ पर हमें वेबसाइट अपलोड करानी है उस फोल्डर में जाएंगे पब्लिक HTML। इसके बाद आप जहाँ इसको रखेंगे वहाँ आप भी अपना पेस्ट कर दीजिए, मुझे डालना है इस फोल्डर के अंदर। इसके पुराने फाइलें मैं सभी कर दूंगा, सॉरी सभी कर दूंगा डिलीट। अब जाऊंगा अपलोड में,
यहाँ पर जहाँ पर वो जिप फाइल थी हमारी, उसको हम अपलोड कराएंगे यहाँ पर। ये अभी देखिए, अभी अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये वेबसाइट थी, क्योंकि हमने फाइल डिलीट कर दी, तो अभी ये सही से ओपन नहीं होगी। ये देखिए नॉट फाउंड, क्योंकि हमने सभी फाइलों को डिलीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जैसे अपलोड होती है, अभी आपको दिखाता हूँ। आप हमेशा वेबसाइट को हल्की बनाने की कोशिश करें, जो आप लोगो फॉन्ट जो भी सब चीजें प्रयोग करते हैं वो सब हल्का रहे। ये हमारा अपलोडिंग कंप्लीट हो जाए। ये अपलोड कंप्लीट हो गया, इसको करेंगे क्लोज। अब इसको करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पर एक फाइल, अभी अगर हम करेंगे यहाँ पर एक फाइल दिखा देगी आप, ठीक है। अब इसको करेंगे हम एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट फाइल, ये पूरी फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गई। आप इसको रिलोड करेंगे तो आप ये देखिए आ गए। अब यहाँ पर हमारी फुल वेबसाइट ओपन हो। यहाँ पर कंप्लीट वेबसाइट जो हमने बनाया था वो हमारी ओपन हो गई। थोड़ा सा वेट करते हैं आप, इसके बाद क्या कहते हैं, जस्ट हम ये देखिए, ये वेबसाइट, ये लाइव वेबसाइट हो गई। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं। ये देखिए जो जो हमने किया है। हाँ, लोगो हमारा रह गया है, ये लोगो पता नहीं शायद सेव नहीं हो पाया है। ठीक है, एडमिशन में आके आप अलग अलग ओपन कर लीजिए, फैसिलिटी में, ठीक है, गैलरी में, ये आप पूरे सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना इसको होस्टिंग फाइनल करते हैं क्लोज, और इसको करते हैं सेव। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वेबसाइट बनाने का, और आप ये से जल्द ही ऐसा करके आप कोशिश करिएगा बनाने की, बहुत ही आसानी से बन जाती है। ठीक है, धन्यवाद।